सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि सानू पता है कि पंजाब मेलियां ते त्यौहारां दा देश है। इन्हां त्यौहारां विच्चों बंदी छोड़ दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अते पवित्र त्यौहार है। इसलिए अज असीं गल करदे हां बंदी छोड़ दिवस दे इतिहासिक पिछोकड़ दी। सिख जगत दा दिवाली नाल इतिहासिक रिश्ता है, जिस नूं बंदी छोड़ दिवस वजों मनाया जाता है। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की बेमिसाल अते शांतमई शहादत ने सिख इतिहास विच एक क्रांतिकारी मोड़ ले आंदा। सतगुरां की अदुत्ती शहादत तो बाद छेवें पातशाह श्री हरगोबिंद साहिब जी ने गुरगद्दी संभालदियां ही मीरी पीरी दियां तलवारां पहन स्पष्ट कर दिता कि जुल्म अते जबर अगे झुकया नहीं जाएगा। इन्हां हालातों के चलदियां हकूमत ने गुरु साहिब नूं ग्वालियर के किले विच नज़रबंद कर दिता। ग्वालियर के विशाल अते मजबूत किले विच हकूमत वल्लों इस मुल्क के बहुत सारे राजपूत राजे भी कैद सन। सिख संगतां सतगुरु की गिरफ्तारी कारण उन्होंने दर्शनों लिए व्याकुल होण लगियां। दूजे पासे हकूमत नाल साई मियाँ मीर जी राही भी गलबात चलती रही। अंत समय की शक्तिशाली मुगल हकूमत नूं समझ आया कि इस लहर नूं बहुती देर दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हकूमत ने गुरु साहिब नूं रिहा करन दा फुरमान जारी कर दिता। पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इकल्या किले विचों रिहा होकर बाहर आना स्वीकार ना किया। उन्हां दी रहमत सदका किले विच नज़रबंद 52 राजियां नूं भी मुक्ति मिली। रिहाई तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी भारी गिणती विच सिख संगतां नाल श्री दरबार साहिब अमृतसर पुजे। उन्हां दे इत्थे आउण ते सारे सिख जगत ने अथाह खुशियां मनाईयां अते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे इस दिन खुशी विच दीपमाला कीती गई। कुदरती इसे दिन दिवाली भी सी। इस दिन तो सिख संगतां वास्ते बंदी छोड़ दिवस एक पवित्र दिहाड़ा बन गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी एच जी अकैडमी के समूह परिवार वल्लों सारियां नूं बंदी छोड़ दिवस दियां लख लख